लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट स्टेशन अरिगनार अन्ना अलंदूर। डोर्स विल ओपन ऑन द लेफ्ट, स्टे बिहाइंड द येलो लाइन, चेंज हियर फॉर द ब्लू लाइन। ब्लू लाइन के लिए इस तरफ गाड़ी बदले। नेक्स्ट स्टेशन अरिगनार अन्ना अलंदूर। डोर्स विल ओपन ऑन द लेफ्ट। प्यारे भाइयों और बहनों, आदरणीय महिलाएं और पुरुषों, सभी को मेरा सादर प्रणाम। हर सुबह धीरे से अपनी सुंदर नींद से जागने के बाद घर की हर गृहिणी तो अपने किचन में ही जाती है। वो गैस पे चाय का बर्तन चढ़ा के अपने ऑफिस जाने वाले प्यारे पति के लिए टिफिन की तैयारी में लग जाती है। वो फ्रिज से ताजी सब्जियां निकालेंगी, चॉपिंग बोर्ड पे रखेगी और काटने के लिए चाकू निकालेगी। लेकिन चाकू कैसा है? उसमें तो जंग लगा है। और उस जंग वाले चाकू से हमने खाना बनाया तो क्या ये हमारी सेहत के लिए ठीक होगा? बिल्कुल नहीं। ये ध्यान में रख के हमारी कंपनी ने एक खास प्रोडक्ट बनाया है, वेजिटेबल कटर। इसे एक बार खरीदिए और लाइफ टाइम यूज कीजिए। तो आइए सर, आइए। क्या प्राइस है इसकी? सर प्राइस को भूल जाइए, स्लाइसेस को तो देखिए। वो सब छोड़ो, प्राइस बताओ। प्राइस कितना बताऊं? सर ओनली 2500। थोड़ा कम करो। ठीक है सर, आपके लिए सिर्फ 2000 रुपए सर। 2000? हाँ 2000। कोई जरूरत नहीं है। नहीं रहने दीजिए। सर 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 एक बार खरीदिए, लाइफ टाइम यूज कीजिए। इसने कम से कम पूछा तो, ये दोनों तो इस तरफ देख भी नहीं रहे। मैं ही जाकर देखता हूँ। सर दिस इज वेजिटेबल कटर। ये भिंडी को अलग अलग साइज में काटता है, बैंगन को भी अलग अलग शेप में काटता है और बाकी सारी सब्जियां भी एकदम फटाफट। सर सॉरी सर। तुम बहुत अच्छा बात करते हो। ये मशीन कितने की है? 2500। आपके लिए सर 2000। हाँ 2000। 1500। 1500। हाँ हाँ 500। 1500। आपके पास अभी कितने पैसे है? हाँ अरे 500 ले लेना, क्या सोच रहे हैं? सर सिर्फ आपके लिए 500 रुपए में दे रहा हूँ। हाँ अब थैंक यू।
चल सेल्फी लेते हैं ना। ए अरे हंसना। ये बता कैसा है तू? भाई एयरपोर्ट पे पार्किंग की टिकट तो पेट्रोल से भी ज्यादा महंगी है। पेट्रोल तो है ही महंगा, तुझे ज्यादा लगता है क्या? अच्छा, लेकिन दुबई से तो ज्यादा नहीं है। कहते हैं कि शीशे के छत भी गिरे। अरे वो लोग तो लूट रहे हैं, क्या कर सकते हैं यार। लेकिन एक बताऊं क्या, दुबई की बात ही कुछ और है। सच में? वहां तो सब कुछ ब्रांडेड होता है। ऐसा होता है? बढ़िया है भाई। भाई बताना कैसा है तू? ए तेरे लिए दारू लाई है मैंने। अरे आराम से, उसी बैग के अंदर है। पहले क्यों नहीं बताया? क्यों बे, तू मुझसे नाराज है क्या? मैं क्यों नाराज होऊंगा? तो फिर तू मेरे सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स को लाइक और कमेंट्स क्यों नहीं करता? ए सारे सोशल मीडिया में सबसे पहले तेरा पोस्ट लाइक करने वाला आदमी मैं हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन एक्सप्रेस तो करना चाहिए ना, इसीलिए तो है ना सोशल मीडिया। अपने दिल की बात खोल के बोलने का बहुत अच्छा मीडियम है, सिंपल। बदलते ट्रेंड्स को अपना के खुद को अपडेट करना जरूरी होता है, पुराने तरीके से मत जियो यार। पोस्ट को लाइक कर दिया मैंने। अच्छा सुन ना, खंबा अंदर है ना? अरे हाँ बाबा। अरे रुक जा रुक जा। हाँ गाड़ी थोड़ा सा लेफ्ट में लगा। पर क्या हुआ? अरे मुझे व्लॉग बनाना है यार। ए तू लगेज लेके अंदर जा। ये है मेरा घर, ये हमारा गार्डन। अंदर जाके हम सरप्राइज देंगे मेरी माँ को। ये रहा बेडरूम। कहां पर हैं सब लोग? कहीं मुझे ही सरप्राइज करने का प्लान तो नहीं कर रहे हैं? माँ मुझे भी थोड़ी चाय मिलेगी? हाँ? अरे एंथनी तुम कब आए बेटा, मुझे कुछ बताया नहीं। अरे क्या माँ, मेरे आने पर तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन तू दुबला क्यों हो गया? कौन मैं तो खुद को एकदम फिट महसूस कर रहा हूँ। तुम कैसी हो बताओ? अच्छी हूँ मैं। जेनी कहाँ है? वो अंदर है बेटा। जेनी घर पे है क्या? जेनी जेनी। अरे बड़े भाई आप कब आए? कैसी हो तुम? आप तो अगले महीने आने वाले थे ना? तो अभी वापस जाके अगले महीने फिर से आ जाऊँ? अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ भाई। आज क्या स्पेशल है माँ? तू क्या खाएगा, तुझे जो खाना है मैं बना दूंगी, वो मेरा फर्ज है। अरे माँ मैं तो मजाक कर रहा था। चलो चल। कहाँ रखा है, मिल नहीं रहा है। यहाँ पर चले चल 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 पास कर, चल आगे बढ़। अरे पास कर यार, सही है, चल 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 आगे आगे चल। अरे याद है यार, अरे ब्लॉक कर यार, चल 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 ब्लॉक कर। अरे ब्लॉक कर, चल 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 जल्दी। फाउल, अरे यार फाउल हो गया सर। चल हट। ए आना स्टॉप इट, ये क्या चल रहा है? सर इसने मेरी टी शर्ट खींची है। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। ए छोड़ो मुझे। मैं सर को आपसे कुछ बात करनी है। नहीं नहीं। अब कितनी बार इसे बताना पड़ेगा, इसके अंदर जरा भी पेशेंस नहीं है। यही चलता रहा तो टीम से बाहर निकालना पड़ेगा। प्लीज। आप हमेशा यही बात करते हो, इस बार टीम से बाहर रहेगा ना, अच्छा सबक। नहीं नहीं। सॉरी सर। इट्स ऑल राइट, गो। थैंक्स सर। थैंक यू। आइए मेरे साथ। पहली बार आपका बेटा इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने जा रहा है। अब ये टूर्नामेंट खत्म होने तक आपका बेटा देर से घर पहुंचेगा। वो कभी कभी अग्रेसिव हो जाता है, गेम के लिए अच्छी बात है, पर वो गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता, आपको समझाना पड़ेगा। एक और लो। ए, अब ये भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करोगे? इसमें गलत क्या है, जो खा रहा हूँ वो पोस्ट कर रहा हूँ। हाँ करो करो। माँ दामाद को बहुत खिला लिया, जरा बेटे को भी तो खिलाओ। अरे
मुझे बीच में क्यों घसीट रही हो? परोसो ना अपने भाई को। वो मैं देख लूंगी, आप अपने खाने पे ध्यान दो। मुझे पता नहीं अब ये कितने दिन यहाँ रहेगा, लेकिन इस बार ना इसकी शादी किए बिना इसे वापस हरगिज नहीं भेजूंगी मैं। फंस गए। तो मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। अरे मैट्रिमोनी से मेरी सोशल इमेज खराब हो जाएगी। अच्छा। ओ बड़े भाई, पहले से कोई लड़की पसंद कर रखी है या चुप चुप के किसी से प्यार करते हो? मामा बताइए ना, आप किसी से प्यार करते हो? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। आप हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हो, मुझे तो अब शक होने लगा है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना मतलब इश्क लड़ाना, कुछ भी। तुम सब मिलकर आज रात को इसकी शादी करवा दोगे? तुम ध्यान मत देना, आज ही तो आया है बेचारा, उसे खाना तो खाने दो। ये बताइए आपको मेरे भाई की शादी से क्या प्रॉब्लम है? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? कुछ भी। सुनिए, जब मेरा भाई छुट्टी से लौट जाएगा ना, तब उसकी भी शादी हुई होगी। अब आप जल्दी से गिरवी रखे हुए गहनों को छुड़ाने के बारे में सोचना शुरू कीजिए। मैं अपने भाई की शादी में बिना गहने जेवर के नहीं जाना चाहती। सुनो, तुम्हें लगता है कि तुम जेवर पहन के अच्छी लगती हो, तुम्हारे लिए एक सिंपल सोने की चैन, छोटा कान का बूंदा, एक हाथ में चूड़ी, एक हाथ में घड़ी, इतने में अप्सरा लगती हो तुम। ये देखिए, सेकेंड हैंड कार बेच के सोने का पानी चढ़ाए हुए गहने मेरे लिए खरीदने का प्लान मत आजमाइए। अरे मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? इसको संभालना रोज रोज इतना मुश्किल होते जा रहा है। चलो बेटा, मामा को बाय करो। टाटा, अगली बार ज्यादा दिन है। जरा इधर आओ। मुझे किसी देर ऋषा जी, दारू की बोतल गाड़ी में रख दी है। अरे वो बात नहीं है, तुमने शादी का इरादा बना लिया है ना? देखो मैं सीधी बात कहूंगा, शादी शर्ट खरीदने जितना आसान नहीं है। शर्ट तो एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन अगर शादी एक बार हो गई तो शांति छिन जाती है। याद रखना इस बात को। हाँ चलो चलो। हाँ ठीक है। ये शर्ट का सिलेक्शन तुम्हारा है? हाँ, ये मैंने खरीदी थी, इनका बर्थडे गिफ्ट है। अच्छी है ना? फिट हो रहा है इनको। बहन की चॉइस है ना। चलो चलो, अब देर हो रही है, अब हमें निकलना चलो चाहिए। देर हो रही है। क्या हुआ, घुटने में दर्द है? हाँ बेटा। लाओ मैं लगाता हूँ। क्यों तकलीफ ले रहा है, मैं कर लूंगी। अरे माँ, तो क्या हुआ, इसमें तकलीफ क्या है? अच्छा माँ, दुबई में ना मैं रोज सुबह 6 बजे का अलार्म लगाता था, पर उठ नहीं पाता था, ये सोचकर कि तुम मुझे चाय लाके जगा दोगी। तुम हमेशा मेरे साथ थी माँ। बेटा, जेनी के लिए बहुत अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन वो और पढ़ना चाहती है। माँ, उसकी इच्छा है तो उसे आगे पढ़ने दो ना, अभी तो छोटी है वो, मैं उसकी देखभाल कर लूंगा। तुमने बहुत किया, पापा के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी तुम पर ही है, मुझे इस बात का ख्याल है बेटा। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हें कोई अच्छी लड़की मिले जो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखे, मेरे ऊपर वाले से यही बिनती है। तुम्हारा दिल अच्छा है ना, तो सब अच्छा ही होगा। अरे छोड़ो अभी, जाओ सो जाओ तुम। क्यों? जाओ जाओ। माँ किचन में हमेशा खड़ी मत रहना, कोई बाई रख लो काम। मैं ठीक हूँ, जाओ। ये दो, चलो अंदर आके सो जाओ। हे ईश्वर। आपकी बेटी बीमार है, आपको इसे बुरी नजर से बचाना चाहिए। मुझे दे दो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए। धीरे धीरे, रुको रुको, उसे दो। भगवान आप सभी को खुशी, कामयाबी और सुख समृद्धि दे, परिवार में ढेर सारी खुशियां दे। सब ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद है तुम भी अच्छे होगे। ये मुझे दो। ओम सदमानंद भवति सदा युग पुरुषस्य सदेन्द्रिय आयुष देवेन्द्रिय प्रतिविष्ठति धनं धान्यं पशु बहुपुत्र लाभं सदसंवत्सरं दीर्घमायुः। सर्वेश्वर भगवान आपको खुश रखे। भगवान आप सभी को खुशी, कामयाबी और सुख समृद्धि दे, और आपके परिवार को
अब ये क्या है? ये गंगा जल है, सब पवित्र कर देगा, आप डालिए ना। पवित्र भव। अरे मेरी बेटी आ रही है, वो मुझे डांटेगी। क्या चल रहा है? लास्ट राउंड। मैंने हर तरह के शराबी देखे हैं, उनसे पूछो तो एक ही जवाब मिलता है, लास्ट राउंड, लास्ट राउंड, लास्ट राउंड। आज कितने लास्ट राउंड किए हैं आपने? हाँ, लिमिट क्रॉस मत कीजिए और जल्दी अंदर आइए। ये मेरा लास्ट पैग है। बाय बाय, गुड नाइट। एक और ले लो। अरे लास्ट ले ले, नहीं चाहिए। तुम्हारे जैसा इंसान इस मॉडर्न युग में। तुम्हारा बेटा आ रहा है, तुम्हारा बेटा। ये क्या है? किस लिए? घर का किराया? अच्छा, थैंक यू थैंक यू। तुम लोग का या? नहीं अंकल, इट्स ओके। बाय बाय। नहीं थैंक्स अंकल, मैं तो बस अपने शूज कलेक्ट करने के लिए आया था, हमें प्रैक्टिस में भी जाना है। पापा अच्छे हैं? थैंक्स यार। कल का क्या प्लान है? है ना प्रैक्टिस कल? कल मैं आता हूँ प्रैक्टिस। तू आ जाना। ओके डन। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? मुझे पैदा करके जो तुमने पाप किया है, उसी ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। देखा देखा शू फट गया है और ग्रिप भी नहीं है। अरे पैसे वो तो दिलवा। अरे ओके, नए शूज की जरूरत नहीं है पापा, मैं सिला के ठीक कर दूंगा। मैं पैसा। ठीक है पापा, आप भी जाकर सो जाइए पापा। देखो ट्रैफिक रूल तोड़ा है तो पैसे तो भरने ही पड़ेंगे, जो फाइन है चुपचाप भर दो। क्या रे, स्कूल की वैन इतनी तेज क्यों चलाता है? हाँ सर, टाइम भी इम्पोर्टेंट होता है, मुझे बच्चों को वक्त पर स्कूल में पहुंचाना होता है, इसीलिए तेज चलाया सर। यूनिफॉर्म किधर है तेरा? सर यूनिफॉर्म गंदा हो गया था सर, तो धो के सुखाने रख दिया, अब तक सूख गया होगा सर। दूसरा नहीं है सर? मैं उतना नहीं कमाता सर, पेट्रोल भी महंगा हो गया है। ये ले। सर नहीं चाहिए सर। अरे बख्शीश नहीं है, उधार दे रहा हूं तुझे, एक नया यूनिफॉर्म ले ले। सर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। हाँ बोल। आप किसी को सिग्नल पर भेजकर पैसे वापस तो नहीं लोगे ना? क्या करूं रे इसका? सर सर सॉरी सर, गलती हो गई सर, सॉरी सर। सुन बे, ऐसे ही निकल रहा है, पैसे कब लौटाएगा? सर अगले हफ्ते लौटा दूंगा। कोई जल्दी नहीं है, okay, अपने हिसाब से दे देना। ओके सर, थैंक यू सर। एक रुपया है तेरे पास? एक रुपया है ना सर। निकाल, टेबल पे रख। वो पीछे हुंडी दिख रही है, उसमें रोज आके एक रुपया डालते जाना। 500 दिन तक 500 रुपए। 500 दिन तक 500 रुपए सर? चेक करना कि ये रोज आके पैसे डालता है कि नहीं, एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। ओके सर, चल निकल। ओके सर, चलता हूँ। पेट्रोलिंग के वक्त इसे पकड़ा था सर, इसने पी रखी थी सर। अब तो उतर गई है ना? सॉरी सर, सर मैंने जो किया वो सच में गलत था सर, माँ कसम मैं दोबारा नहीं करूंगा सर। तेरे और दारू के बीच में तू माँ को क्यों घसीट रहा है? सॉरी सर। दोबारा अगर किया ना तो पीछे वो हुंडी देख रहा है ना? हाँ देखा सर। चल अब समझ जा। थैंक यू सर, चलता हूँ। हाँ है ना हमारे पास, उस तरफ थर्ड रैक पे। हाँ बोलिए सर।
इतने 5000 सर। हाँ सर, और इससे कम का नहीं मिलेगा सर। बात ओके सर, कोई बात नहीं सर, ठीक है सर, आइए सर। हाँ बताइए, क्या चाहिए आपको? वो पौधा, फूल वाला या सब्जी वाला? क्या बात है, तुम्हारा फोन हमेशा बिजी आता है। फूल वाला पौधा। इंडोर प्लांट या आउटडोर प्लांट सर? इंडोर प्लांट ही ठीक रहेगा। छोटी साइज या बड़ी साइज? छोटी साइज के देना, मैं बड़ा कर लूंगा। आपको लिपस्टिक चाहिए क्या सर? लिपस्टिक? जी हाँ, ये इंडोर प्लांट है और वो है स्नेक प्लांट। नहीं, मैं यही ले लूंगा। ओके सर, काम जल्दी खत्म। ये लीजिए। कितना हुआ? 400 रूपए। आप वहाँ पे कीजिए, रिसेप्शन पर पे कीजिए सर। क्या हुआ भाई, तूने देखा उसे? बातचीत हुई? ओ, पौधा गिफ्ट किया उसने। ए, मैंने उसको देखा लेकिन उसने नहीं देखा। क्यों, तूने उससे बात क्यों नहीं की? स्कूल में तू उसे घबराता था, अभी भी उसे घबरा रहा है। ए, उसको देखते मैं कांपने लग जाता हूँ यार, मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो फिर ये पौधा क्यों खरीदा? ए, इसलिए कि किसी को पता ना चले मैं उसके लिए यहाँ आया था। बढ़िया है। चल, कितने का है वैसे? 20 का होगा। ए, 400 रुपया यार। 400 का? इनका लूट मची है यार। क्या हुआ यार, तू इतना चुपचाप क्यों है? देख यार, ऑलरेडी पूरे घर में पौधे ही पौधे पड़े, तू रोज एक नया खरीदता है, अब इसको रखने की जगह नहीं है मेरे घर में। तो मैं क्या करूं वो तो बता। एक बात बता, तू यहाँ काम क्या करने आया था और कर क्या रहा है? इतने में तो कोई तेरी रानी को उड़ा ले जाएगा। ए, तू ऐसा क्यों बोल रहा है रे? मुझे क्या करना चाहिए वो बता ना। वैसे तू सच में उससे प्यार करता है ना? हाँ यार। पक्का शादी करेगा ना उससे? अरे प्यार करता तो शादी करूंगा ना। अरे वाह, तो फिर उसके पापा से शादी की बात करते हैं। उसके पापा से? नहीं तो क्या, मेरे पापा से? तू डरता है क्या? अरे डर तो नहीं। हाँ। अरे हाँ यार, थोड़ा डर लग रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई तो। अरे यार तू चलना मेरे साथ, मैं हूँ ना। हाँ? आजा। तुझे डर नहीं लग रहा? मैं नहीं डरता किसी से। हाँ? टॉक करके लॉक करके मैरिज पक्की कर देंगे। ए, तू तो कमाल का है रे। अरे सुन, ये बता तेरा बॉस आरोकी दास किधर है? साहब, आपसे कोई मिलने आया है। अरे बाप रे, ये तो पूरा एनाकोंडा है, इसका एक हाथ पड़ेगा मैं तो यहीं गड़ जाऊंगा। हाँ, नमस्ते। नमस्ते, क्या चाहिए? हमें आपकी बेटी चाहिए सर। हाँ? वो हाँ सर, आपने इसे पहचाना नहीं? हेलो, लग रहा है पहले कहीं देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा है। सर वो इरुदया राजा है ना, ये उनका बेटा है और इसकी माँ का नाम मरियम है सर। मैंने सुना था तुम दुबई में काम करते हो। जी अंकल। हाँ जी अंकल, मैं दुबई में ही काम करता हूँ, एक महीने की छुट्टी पे आया हूँ। ए, अच्छे से ठोको ना। अच्छा ये बताओ, यहाँ कैसे आना हुआ? आजकल लोहा क्या भाव मिलता है? दुबई में तुम भंगार की दुकान चलाते हो? नहीं नहीं, मैं बस बात करने के लिए आया था आपसे। हाँ तो बोलो ना। ए, थोड़ी ताकत लगा के मारना। सर हा? वो हम एक इम्पोर्टेंट बात करने आए। अरे हाँ तो बोलो ना। तू बोल लो। अरे मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ आगे बताओ। मुझे पहले से आपकी बेटी जैसी से प्यार है। क्या अंकल, आपकी बेटी जैसी से मैं प्यार करता हूँ। तुम लोगों की नजर से कोई छूटी है क्या? अंकल मोहल्ले की सारी लड़कियों पर डोरे डाल के उनकी जिंदगी बिगाड़ देते हो। हम वैसे लड़के नहीं है सर। सर क्या सर? ये आपकी बेटी से बात करने से डरता है इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। आपकी बेटी को इसके प्यार के बारे में कुछ नहीं पता और मैं भी लड़कियाँ ताड़ने वाला लड़का नहीं हूँ। ये तरीका है काम करने का, निकाल सोने वाले तू जा कर। अब उठ भी जा, ऐसे मत कर। निकल, अब उठ भी जा और ठीक से हाथ चला। ए, सब अच्छे से होना चाहिए। वो लड़के कहाँ गए, चले गए? हाँ खुदा के देख लेना, अच्छी कंडीशन है, सिंगल फर्स्ट ओनर। जीजा जी आप कब आए? अभी थोड़ी देर पहले ही तो। दीदी को भी लाए हो क्या? हाँ वो अंदर ही है, आप आकर एक बार देख लीजिए, कार पसंद आएगी। ए,
कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ। माँ पूछो इससे। अरे मैं क्या पूछूं? ये महाशय खुद ही जाकर सारी बातें कर आए हैं। मैं फ्रेश हो गया था। ए, यहाँ पर बैठ। जेनी तूने देखा है उस लड़की को? हाँ माँ देखा है। कहाँ? चर्च में। रुको आपको फोटो दिखाती हूँ। अरे छोड़ो मेरा फोन। देखो हाँ सुंदर है ना? इसीलिए चर्च के चक्कर काट रहा है। ऐसा कुछ नहीं है माँ। हम तो तुम्हें बहुत सीधा समझ रहे थे। चालू कही के ए? इतने उतावले हो गए कि जाकर बात भी पक्की कर आए। क्या साले साहब, आपको भी इतनी शर्म आ रही है? अरे जीजा जी आप भी ना। बात डाल रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। अरे रुको तो, वो गुलाब का पौधा यहीं रहेगा कि वापस लड़की के घर भेजना है? मुझे चिढ़ाना बंद कीजिए। बता के तो जाओ। कैसे शर्मा रहा है। सुन हमने उसके घर वालों से बात कर ली है, उन्हें अगर एतराज नहीं है अगर लड़की मान जाएगी तो। अब जाकर उससे बात कर। पापा ने मुझसे जवाब मांगा है पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? मैं तो उसी को बताऊंगी ना जिससे मैं प्यार करती हूँ, इसलिए। हाँ? तुम किससे प्यार करती हो? हाँ? ए, कौन है वो? हाँ? मैं ना? ये बात तो पक्की हो गई है ना? अरे सुन, तुझे मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। तेरी बीवी का फोन आया था। क्या हुआ? माथे की तबीयत खराब है, उसे अस्पताल लेकर गए। परेशान मत हो, उसे सिर्फ बुखार है, जाकर मिल लो उससे। मैं हाँ जाओ। लगा था साधारण बुखार है इसीलिए पास के दवा खाने में ले गए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ भेजा स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए। कहते हैं निमोनिया है, वो आईसीयू में है, मैं दवा देकर आता हूँ। ये दवाई लीजिए जो आपने मंगवाई थी। ये बच्ची के पिता है, पूछ रहे हैं क्या ये उससे मिल सकते हैं। हाँ सर, लेकिन आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद मिल सकते हो, चलो आओ बैठो। आपको ये साधारण बुखार लग रहा था और आप लोगों ने इसका ध्यान नहीं दिया। अब ये बुखार लंग्स तक फैल गया है। लंग्स तक फैल गया। इसके लंग्स अफेक्ट हो गए हैं। उसे अभी आईसीयू में रखा है, ठीक है ना? दो दिन मॉनिटर करेंगे, वो ठीक हो जाएगी। अरे नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। मैं हूं ना? ओके। चलो चलते हैं। फोन करना, चलो आ जाओ।
सुनिए। डॉक्टर ने अंदर बुलाया है। पापा, माथी कैसी है वो? उन्होंने 25,000 की मांग की थी, हाँ। लेकिन फिर वो 20,000 में मांग गए। लेकिन इससे कम की उम्मीद मुझसे मत करना। इसमें मेरी गलती नहीं थी। वो सब मैं समझता हूँ, लेकिन तुम्हारी गाड़ी की वजह से ही वो अपाहिज बच्चे को लगा ना, उसके पक्ष की तरफदारी होगी। हाँ। तुम्हारी बात कोई नहीं सुनने वाला है। आप कोई रास्ता निकालो ना। तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है ना? नहीं है। तुम्हें पता ना क्या कांड हुआ? उस बच्चे को बहुत लगा है। अगर उन्होंने पुलिस केस किया तो तुम्हारी कहानी खत्म। ये भाई, ये एजिला, रुक तो जरा, सुनो मैं बस अभी आया। हाँ जी। यहाँ पे कैसे आना हुआ? कोई बीमार है क्या? बीमार है? जिस दिन से मैं यूनियन प्रेसिडेंट बना हूँ ना, मैंने बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की है। सच में मेरे पास फुर्सत ही नहीं। अभी भी एक छोटा एक्सीडेंट का केस आया है। ठीक है, मिलते हैं। भाई हेलो। एक, दो, तीन, चार। हेलो, क्या भाई? हाँ, इतना ही? ए, तू चाहता है इतने से एक्सीडेंट के लिए मैं लाखों मांगू उससे? चल निकल, जाके कोई नया बकरा ढूंढना पड़ेगा अभी। डीएमएस देना? यस सर। हाय जेसी, मैं तो ट्रेन में हूँ। नेक्स्ट स्टेशन 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अरिगनार अन्ना अलंदूर। Doors will open on the left. Stay behind the yellow line. Change here for the blue line. वो देख, पी के सोया हुआ है लग रहा है। अबे वो रात पिया होगा। हाँ, देखना किस तरह से सोया हुआ है। हाँ और क्या?
हाय जेसी। हाय। कितनी देर से यहाँ बैठी हो तुम? मैं तो अभी आई हूँ। बोर हो गई क्या? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऑर्डर करें क्या? हाँ श्योर। ब्रदर ये ऑर्डर सर। कॉफी पियोगी? हाँ इट्स ओके इट्स ओके। कैपेचिनो? टू कैपेचिनो। ओके एनीथिंग एल्स सर? कुछ और बोलना है? नहीं नहीं थैंक्स, अभी के लिए सिर्फ इतना। ओके सर। एक मिनट। हाँ ब्रदर ब्रदर वो कैपेचिनो के ऊपर हार्ट का शेप बना के लाना। हाँ हो जाएगा। और हार्ट में एरो भी बना सकते हो क्या? एरो तो नहीं हो पाएगा। ओह ठीक है, वो हार्ट शेप थोड़ा बड़ा बना सकते हो क्या? सर कैपेचिनो का कप तो छोटा ही होता है, अगर आपको बड़ा चाहिए तो फिर प्लेट में सर्व करना होगा। हाँ कप ही ठीक है। ओके सर। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। थैंक यू। पॉइजन ब्रांडेड परफ्यूम, मेरा फेवरेट है। अच्छा लगा? यूज करके बताऊंगी। हर बार मैं दुबई से आते समय तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आता हूँ पर कभी दे नहीं पाया। शादी के बाद तुम मेरे घर पे ही आओगी ना, सारे गिफ्ट्स वहां पर हैं, ले लेना तुम। क्या हुआ तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अपने टेबल के पीछे ना एक आदमी बैठा हुआ है, पीछे मत देखो, वो एक महीने से पीछा कर रहा है, जहां भी जाती हूँ वहां पहुंच जाता है। ठीक है तुम डरो मत, मैं उससे बात करके आता हूँ। हाय ब्रो, प्लीज हैव अ सीट। ब्रदर तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है। ब्रो तू तो एंथनी है ना? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? रेमो ब्रो, भूल गया क्या? नहीं। स्टेला तेरी क्लासमेट थी याद है? क्लासमेट? स्टेला का भाई हूँ मैं। अब वो कहाँ है? ओमान में है, शादी करके वहीं सेटल हो गई है, तीन बच्चे हैं उसके, उसकी बड़ी बेटी तो 8th स्टैंडर्ड में है। 8th स्टैंडर्ड? ओ सुपर। और बता तेरा परिवार, बीबी बच्चे? ब्रदर मैं यहाँ पर वही बात करने आया हूँ। हाँ बोल ना ब्रो। सुनो मेरी शादी ना जैसे से पक्की हो गई है। अरे यार हम जल्दी शादी करने वाले हैं, तो उसके आगे पीछे चक्कर काटना बंद ही कर दो। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन कुछ नहीं कर सकते, लाइफ हमारे हिसाब से तो नहीं चलती ना, जिंदगी में हार से उभरने के बाद ही तो कामयाबी मिलती है। चलता हूँ। ब्रो ब्रो हाँ? मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए थी, प्लीज बैठना। अगर शादी के पहले उसने तुझे मना कर दिया तो मुझे इन्फॉर्म करेगा क्या? प्लीज ब्रो मैं तुझे अपना नंबर दे देता हूँ। जरूरत नहीं है, मैं खुद आके तुमसे बात करूंगा। ब्रो ट्रू लव ब्रो। क्या हुआ? अब वो तुम्हारा पीछा नहीं करेगा, मैंने अच्छे से समझा दिया है उसे। थैंक यू। फिर कभी तुमको वो परेशान नहीं करेगा, आराम से रहो। ओके। लाइफ की बहुत सी प्रॉब्लम्स बस बात करके ही हल हो जाती हैं। कॉफी पियो। ए चरण ये फोटो देख। वेलकम सर। अभी ये वही है ना जिसका वीडियो वायरल हुआ था? देख ऐसा लग रहा कि पीके टाइट हो गया था। अरे हाय क्या कर रहा है यार? अरे भाई वो फोटो जो तूने लिया था वो न्यूज में आ रहा है। कौन सा? तेरे फोन पे मैंने लिंक भेजी है, देख लेना और देखकर फोन अच्छा? करना। चेन्नई मेट्रो रेल में सोए हुए एक शराबी की फोटो बहुत वायरल हुई है और ये वायरल हुई फोटो बहुत खलबली मचा रही है। एंथनी क्या बात है, हुए फोटो की बहुत सारी मीम्स और रील्स भी बन चुके हैं।
ए भाई भाई, हाँ। इसे देखा होगा ना तूने, पहचाना ना? ऐसा क्यों पूछ रहा? अरे भाई यहाँ देखना, हाँ। मेट्रो में टून होके पड़ा था। अरे चुप कर, वो देख रहा है। हाँ। सर आप इसी एरिया में रहते हो ना? मतलब इसी एरिया में ना? 145 ये तो फुल टाइट होके आउट हो गया है। अब देख मैं क्या करता हूं। हे, देख तेरे पापा की फोटो। क्या क्यों शेयर किया मेरे पापा का फोटो? क्यों शेयर किया बता मुझे? ए, सब लोग शेयर कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं। तेरी तो मारता है, छोड़ूंगा तुझे। स्टॉप इट, क्या चल रहा है? तुम दोनों हमेशा झगड़ते रहते हो। सर आप मुझे मत डांटिए, उससे पहले मुझे मारा, पूछे इसे। मेरे पापा के बारे में बुरा कह रहा था सर? सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा शहर बोल रहा है। ये देखिए फन बुक पर ये ट्रेंडिंग है सर, ये ऐसे लड़ रहा है जैसे मैंने ही शुरू किया। अच्छा तो अब इस बात पर लड़ोगे? जाओ पहले अपने पापा से बात कर लो। जा जा, मैं जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब पर शेयर करूंगा, तुझे जो करना तू कर ले। चेन्नई मेट्रो रेल में सोए हुए एक शराबी की फोटो बहुत वायरल हुई है और ये वायरल हुई फोटो बहुत खलबली मचा रही है। सोशल मीडिया पर इस वायरल हुए फोटो की बहुत सारी मीम्स और रील्स भी बन चुके हैं। ये मैं, भाई ये पोज देखकर तो लगता है कि आप मेट्रो में सच में पीकर बेहोश पड़े हो। आपको तो पता ही है ना लोग कैसे होते हैं, वो झूठ को ऐसे दोहराते हैं जब तक वो सच ना हो जाए। पर आप चिंता मत कीजिए, मैंने अपनी टीम से बात की है और मैंने इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोला है, और ये फेक पोस्ट हम सोशल मीडिया से जल्दी ही निकाल देंगे। आप प्लीज कुछ दिल पर मत लीजिएगा। मुझे पता है तुम दारू नहीं पीते हो और इसमें भी तुम पी के नहीं सो रहे हो, तुम मुझे यही समझा रहे हो ना? धीरज रखो। बेटी दो दिन से होया नहीं, मैं नहीं आए और हो गया। क्यों मैं झूठ बोल दिया? तुम्हारा बेटा आ गया, उसको भी इसके बारे में पता चल चुका होगा, शांति से उसे समझा देना। अब जाओ। मैं क्या करूंगा नए शूज का, कहां जाकर प्रैक्टिस करूंगा मैं? कितने शर्म की बात है पापा, मैं ग्राउंड पर भी नहीं जा सकता, क्लास में भी नहीं बैठ सकता, ऐसा लगता है सब मुझे घूर रहे हैं। इतने दिनों से आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, आपने हम सबको धोखा दिया है।
सुनिए जरा ये देखिए, अरे ये तो अच्छा है, सुंदर जरा ये ना। हाँ ये कहाँ गए? क्या बात है? ये लीजिए, कुछ पैसे हैं इसमें, दीदी के गहने छोड़ा के लाइए। तुमने पहले इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, अब और तकलीफ मत उठाओ। मैं तुम पे और कोई बोझ नहीं डालना चाहता। तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हारे अपने खर्चे होंगे, ठीक है? तुम्हारी बहन के कहने हैं, मैं खुद से छुड़ा लूंगा ना। मैं पराया हूँ क्या? आप मुझे अलग क्यों समझते हैं? मैंने कहा ना इसे रखो, मुझे जरूरत पड़ने पर आप मेरी मदद कर दे। अरे नहीं, इसे रखो, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा, मैं गहने छुड़ा के ले आऊंगा। अच्छा एक मिनट, ये लीजिए जीजा जी, नए कपड़े खरीद लीजिए। ये सब क्या? कम से कम कपड़े तो ले लीजिए, मेरे लिए इतना प्लीज जीजा जी, हमेशा ना नहीं कहते, मान जाइए। अच्छा मैं पूछ रहा था कि ये डिजाइन बहुत ही बढ़िया लग रहा है ना। हाँ ये डिजाइन अच्छा है, तो इसी को फाइनल कर दीजिए। कर लो। रेप्यूटेड स्कूल में काम करते हो, गैर जिम्मेदारी नहीं चलेगी। पेरेंट्स क्या सोचेंगे इस बारे में? ये सब यहाँ नहीं चलेगा। ये तुम कहते हो कि शराब नहीं पीते, बाकी लोग तो ऐसा नहीं कहते ना। स्कूल एसोसिएशन डिसाइड कर लेगी, जब तक डिसीशन पूरा नहीं होता तुम प्लीज काम पर मत आना। कह नहीं सकते कि तुम्हारी जॉब रहेगी या नहीं।
क्या भाई? ए, फोन क्यों स्विच ऑफ रखा है? तुम घर क्यों नहीं गए? तुम्हारी बीवी ने कई बार कॉल किया, चलो घर चलते हैं। ए, तुम पागल हो क्या? जॉब ढूंढना बुरा नहीं है, चलो घर चलो, रात भर यहीं रहोगे? देखो, दुश्मन का सामना करना आसान है, पर दुश्मन को पहचानना बहुत मुश्किल। भगवान ने तुम्हें अदृश्य दुश्मन दिया है, जो जज्बात से खेल रहा है, अनजान लोगों को बेवजह परेशान कर रहा है। हमें उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। देखो, तुम्हारे जॉब की जिम्मेदारी मेरे ऊपर, फिक्र मत करो, चलो मेरे साथ। चलो ना। अजय, तुमने इन्फॉर्मेशन निकाली उस फेक न्यूज के बारे में? बच्ची को लेकर अंदर जाओ, यहाँ उसे ठंड लगेगी। वो जल्द ही आ जाएगा, ठंड बढ़ रही है, अंदर जाओ। ठीक है, जल्दी से इन्फॉर्मेशन निकाल के मुझे बता देना, मैं वेट कर रही हूँ। ए चरण, कुछ बात करनी, आ जा। एक्चुअली मैं भी इस प्रोफाइल के बारे में छानबीन कर रही हूँ। क्या तुझे पता है, तेरे माँ पापा शादी के तुरंत बाद यहाँ आकर बस गए थे, तू यहीं पैदा हुआ था। आमतौर पर माँ बाप सोचते हैं कि उनका बच्चा तंदुरुस्त और स्वस्थ रहे, लेकिन तेरे पापा को सिर्फ यह चिंता थी कि तुझे कहीं बोलने सुनने में तकलीफ ना हो। वो प्रार्थना कर रहा था कि तुझे बोलने की कोई विकलांगता ना झेलनी पड़े, तेरी मां भी। और पता है, वो डर गए थे क्योंकि तूने 2 साल तक कोई बात नहीं की, वो यहीं पर दुख में बैठा रहता। कई डॉक्टर्स को दिखाया, मंदिरों में पूजा की, और फिर अचानक एक दिन तूने बोलना शुरू कर दिया, गजब हो गया। मुझे अभी भी याद है उसकी आंखों में वो खुशी के आंसू। तेरे पापा ने और तेरी मां ने अपने लिए कभी भी कोई इच्छा नहीं रखी। हम कितने भी काबिल क्यों ना हो जाएं, लेकिन भगवान हमें ऐसे लोगों से जरूर मिलवाता है कि हमें लगने लगता है ऐसे दोस्त मिलने के बाद अब माँ बाप की जरूरत नहीं। अपने पापा से बात करो, शायद तुझे उनकी आवाज बननी पड़े, सवाल करने पड़े। समझ गया? गुड नाइट। पापा, आपसे रूडली बात करने के लिए सॉरी पापा। माती सो गई पापा। तेरी अब गया, पापा। मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल करती हूँ।
ये मेरा इनविटेशन कार्ड, शादी में सबको जरूर आना है, रेनू, दीपा, प्रिया और बाकी सब भी। हाँ चलो एक सेल्फी लेते हैं। हाँ बोल भाई। हाँ। कैसा है भाई? मैं तो अच्छा हूँ, तू बता। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा सुन, कोई बहाना मत बनाना, छुट्टी लेके मेरी शादी पे आना ही होगा। अरे मेरी छुट्टी की छोड़, मैंने तुझे एक लिंक शेयर की है, वो देख। किस बात की लिंक? अरे खोल के तो देख। मुझे सोशल मीडिया पे डालनी है। अच्छा, अरे मेरी अच्छी नहीं आई है। एक और लेके आ। अरे एक काम करो, यहाँ से लो, यहाँ से अच्छी आएगी, देखो। अलग रूप में सक्षम व्यक्ति के साथ बहुत ही बुरा सलूक हुआ है, और कितनी पीड़ा ये मोबाइल मेनिया की दुनिया हमारी जनता को पहुंचाएगी? देखते रहिए आईबीसी न्यूज, मैं हूं अभिरामी। सर नमस्ते सर। अभी कितना पैसा जमा हुआ? अरे सर आज का 14वां दिन है। तेरे शर्ट में बटन नहीं है क्या? अपने आप को हीरो समझ रहा है? लगाता हूँ सर। जल्दी लगा। अभी लगाता हूँ, जाता हूँ सर। स्टाइल मार रहा है। हाँ आइए बैठिए। नमस्ते सर। बोलिए। जरा लेटर दे, ये लीजिए सर। न्यूज में देखा था, तुम ही हो ना वो? सच बताओ, शराब पीते हो ना? ये नहीं पीता सर। सर आपको उसे अरेस्ट करना होगा, पोस्ट भी डिलीट करवानी होगी। कौन है ये, तुम्हारा बेटा? सबसे पहले हमें इंक्वायरी करनी होगी, साइबर क्राइम केस, समझे? या तो पापा झूठ बोल रहे हैं या तो वो आदमी। कौन सच्चा कौन झूठा ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, समझे? मैं पूछताछ करके बताता हूँ। फाइन सर। विग्नेश। सर। विग्नेश इसकी इन्वेस्टिगेशन करो और रिपोर्ट बनाओ। श्योर सर। सर पिछले दिनों तक शराबी लोग अपनी शक्ल दिखाने से भी शर्माते थे, लेकिन सर आजकल अच्छे लोगों के साथ भी यही हो रहा है। पता नहीं दुनिया का क्या होगा। जीजा जी, हाँ, जैसे बार में मर्द लोग आसानी से घुल जाते हैं ना, वैसे ही औरतें आसानी से कपड़ों की दुकान में घुल जाती हैं। आसानी से। देखो तो कैसी है, अच्छी लग रही है। इसका बॉर्डर बहुत अच्छा है, अच्छी लग रही है ना? इसका फॉल भी अच्छा है, देखो। ये देखो, दूसरी दिखाइए। दूसरी वाली है, अच्छा लग रही है, मटेरियल अच्छा है। ये देखो तो, अभी देखती हूँ, रुको। ये देखो, पिंक, 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 अच्छी है। वो पिंक वाली दिखा लीजिए मैडम। ये पिंक वाली देखो, ये देखो। हाँ पिंक अच्छी लग रही है, पिंक बहुत पसंद है। मुझे भी यही पसंद है। जरा सुनिए, इसे जरा बाहर ले जाइए, हमें ठीक से साड़ी देखने भी नहीं दे रहा। अरे सुनो, उनको तो पूरा दिन लग जाएगा, हम चाय पी के आते हैं, ठीक है? चलिए, क्या पता रात भी हो सकती है। चलो चलो चलो। इस सोशल मीडिया के तमाशे ने लोगों की शांति भंग कर दी है। देखिए इस तरह के मासूम इंसान के साथ कैसे कोई इतनी क्रूरता से पेश आ सकता है, यह अब आम बात है, अच्छे लोगों को इस तरह से परेशान करके उनका नाम बदनाम करना। लेकिन जब तक इसका हल नहीं निकलता हम रुकेंगे नहीं। हमने पुलिस स्टेशन में इसके बारे में कंप्लेन की है और इंस्पेक्टर साहब ने वादा किया है कि इस पर वो जरूर एक्शन लेंगे।
बस बस पहुंच गए, यहाँ राइट में रुकी। अरे भाई साहब पैसे तो देते जाइए। ये लो। हाँ थैंक यू। रमेश रमेश, अरे क्या हुआ, तू टेंशन में लग रहा है? ए, किसी अजनबी आदमी की फोटो तूने पोस्ट क्यों कर दी यार? हमेशा की तरह मजाक ही किया था, पर यहां तक ये बात पहुंचे कि सोचा नहीं था यार। ये मजाक की बात है, तेरे इस मजाक से एक आदमी की जिंदगी दांव पे लगी है। क्यों किया तूने ऐसा? ए, वो दिखी ऐसे रहा था जैसे दारू पी के बेहोश पड़ा हो, लोग वहां पर उस पर हंस रहे थे तो मुझे भी ऐसा ही लगा, तो फोटो क्लिक करके पोस्ट कर दिया। अब मुझे कैसे पता होता कि उसे बोलने में तकलीफ है और वो सिर्फ लेटा हुआ था, बोल नहीं पाता? हाँ। ए, तू ऐसा झूठा इल्जाम कैसे लगा सकता है? अब उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज कर दी है, शादी की तारीख भी नजदीक आ चुकी है, ऐसे मौके पे ये पुलिस केस हो जाएगी तो बड़ी शर्म की बात हो जाएगी यार। तू चिंता मत कर, सभी क्राइम्स की एक पहचान होती है, जब तक ये खुलेआम चल रहा है तब तक ठीक है। वैसे भी आजकल लोग बिना जांच पड़ताल किए किसी भी मैसेज को सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड कर देते हैं, लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि उस पर क्या बीतती होगी, उसकी फैमिली पे क्या असर होता होगा इसका। टेंशन मत ले, मैं एक लॉयर को जानता हूं, चलकर उससे बात करते हैं। तू फोन उठा, मैं भी आता हूं। हेलो, कहां हो तुम? बाहर आया हूं, कुछ इंपॉर्टेंट काम है। वापस कब आओगे? बताऊंगा। मुझे पक्का याद है मैंने ये फोटो फन बुक पेज पर देखी थी। हाँ फोटो तो मैंने भी देखी थी पर उसमें पैर नहीं थे। अरे उस दूसरे वाले में भी तो पैर नहीं थे। हाँ पर मैंने ये फोटो कहीं और देखी है। लो आ गए बड़े भाई, इन्हीं से पूछ लेते हैं। ए एंथनी इधर, इसे देखो, बेड के चक्कर में बवाल मचा रही है। मुझ पर इल्जाम मत डालो एंथनी, जरा इधर आओ। मैंने इन्हें ये खरीदने के लिए बोला था जो इस फोटो में है, लेकिन ये कुछ और ही खरीद लाए, और तुम्हें तो पहले से ही ब्रांडेड चीजें पसंद है। अरे वो सिर्फ फोटो में ही अच्छा लग रहा है, इसीलिए उसे छोड़कर ये खरीद कर लाया मैं। एक शादीशुदा आदमी की बेड की चॉइस गलत हो सकती है क्या? क्या बोल रहे हो एंथनी, ये तुम्हारी शादी का गिफ्ट है, अच्छा है ना? अरे इसे भी बेड अच्छा नहीं लगा क्या? तू गाड़ी में बैठ, मैं एडवोकेट से बात करके आता हूं। सर टाइम अच्छा नहीं है, बैटरीज खत्म हो गई है। बैठिए, बैठ जाइए। हे भगवान, क्या केस है आपका? सर मेरा कोई केस नहीं है। तो क्या बात है? मेरे कुछ डाउट्स हैं सर, बस उसी के बारे में बात करनी है। क्या डाउट है? सर फोन्स रिलेटेड केस आप लेते हैं क्या? आधे से ज्यादा केसेस तो उसी रिलेटेड होती है। लोग कोई अनजाना सा नंबर डायल करते हैं, एक अनजान लड़की की करके जवाब देती है, फिर फोन पर हैरेसमेंट हुई कर केस दर्ज हो जाते हैं। लड़कियों की रास्ते पर बिना बताए तस्वीरें खींचते हैं और गंदे गंदे वीडियो के साथ जोड़ देते हैं। मैं ऐसे कई सारे केसेस डील कर चुका हूँ, समझे ना? इसमें से कौन सा काम किया है तुमने? देखिए सर मैंने वैसा कोई काम नहीं किया है। हाँ। सर वो रोड में चलते हुए किसी आदमी की फोटो लेकर मजाक के लिए सोशल मीडिया पे पोस्ट किया तो, या फिर उसका मीम बने तो कुछ प्रॉब्लम होती है क्या? मजाक में किया हो या सीरियसली किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आईपीसी सेक्शन 499/500 के तहत डिफेमेशन। हाँ। जिसका मतलब किसी की बनी बनाई रेपुटेशन को हानि पहुंचाना, कम से कम 2 साल की सजा तो हो जाती है। हाँ। प्लस
2 लाख का फाइन होगा। वो सब भूल जाओ। अगर अपोनेंट वकील को इस बारे में पता चला तो उसे भी आपको थोड़ी रिश्वत देनी पड़ेगी। बात अगर सेल्फी की हो तो वो चल जाएगी। कोर्ट कचहरी के चक्कर में परिवार की धज्जियां उड़ जाती हैं। एफआईआर कॉपी है क्या? कौन सा स्टेशन? मैंने आपसे कहा ना कि मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है सर, मैं तो बस आपसे डाउट क्लियर करने आया था। डाउट्स क्लियर करने के लिए भी तुम्हें फीस भरनी पड़ेगी। पे एंड गेट लॉस्ट। हे, क्या कहा उन्होंने? भाई, डाउट क्लियर करने के 1000 रुपए ले लिए उस आदमी ने। 1000 रुपए? बाप रे, अरे पुलिस वाला आ रहा है, झुक जा, हमें देख लेगा वो। ए, तो पुलिस वाले से इतना क्यों डर रहा है? बेवजह अगर इतना घबराएगा ना तो बेकसूर होते हुए भी अंदर चला जाएगा, फोकट में जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। मेरे पास डरने की वजह है, तू क्यों डर रहा था रे? नहीं नहीं, मैं नहीं घबरा रहा। मैं क्यों घबराऊंगा? ए, वकील का क्या कहना है? सोशल मीडिया के अकाउंट्स डिलीट कर दे। सब क्लियर कर दिया। और फोटो? कुछ नहीं है मेरे फोन में। तो फिर सारी प्रॉब्लम खत्म। जरा लंबी सी स्माइल कर तो। बहुत बढ़िया, अब चले। Happy birthday to you. Cheese. Hey, संभल के। मुझे एक प्लेट में एक छोटा सा पीस देना बस। ओके। चरण, केक नहीं खाओगे? मेरी टीम मैच जीत गई और मेरा फ्रेंड गुना, कल उसका सिलेक्शन साउथ जोन में हुआ। कोई बात नहीं, तुम मायूस मत होना, नेक्स्ट टाइम ट्राई करो, पक्का सिलेक्ट हो जाओगे। ये लो केक खाओ। उसके दोस्त का साउथ जोन में सिलेक्शन हो गया है, उसे बुरा लग रहा है कि वो आज की मैच नहीं खेल पाया। तेरे बेटे ने जम के प्रैक्टिस की थी। एजिलान, पुलिस में जो कंप्लेंट फाइल की थी उसका क्या हुआ? जो कंप्लेंट फाइल की थी, कंप्लेंट काम हाँ भूल गया क्या भाई? इसीलिए वो गुनहगार चुप नहीं बैठेंगे। गल्फ कंट्रीज का लॉ अच्छा है, क्रिमिनल्स को तुरंत सजा दे देते हैं, यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा है। एक बेगुनाह 30 साल तक सजा काट रहा था, ऐसी अवस्था है देश की। उदास क्यों लग रहे हो? कौन मैं? क्या कह रही हो? ये कुछ लाए हैं। दामाद जी, मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अरे क्यों जरूरत नहीं थी? वैसे भी ये छोटा सा ब्रेसलेट है। ले लो, ले अब लो। पहन भी लो। हाँ, चलो मुस्कुराओ। ऐसे उदास क्यों बैठे हो? हाय। ये देखो, ये अरे बैठो बैठो, सुंदर लग रहे हो। कांग्रेचुलेशंस बॉडी, थैंक यू। कब आया तू? ये तो कमाल, एयरपोर्ट से सीधे यहाँ पर आया। तो घर नहीं गया? अरे नहीं यार, मैंने ये ट्रिप सिर्फ तेरी शादी के लिए प्लान की थी। घर जाके आना पहले। अरे छोड़ वो सब, मैं सब कुछ संभालूंगा, रिलैक्स रहे। इंट्रोड्यूस तो करवा। ए जेसी, ये मेरा फ्रेंड है। हाय ऑगस्टिन। जेनी को तो तू जानता ही है ना? हाँ जानता हूँ ना। हाय। ए चल साथ में फोटो लेते हैं ना। ए आओ जेसी। बता क्या करना है? ए, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, जाना मत। हाँ हाँ मैं यही पर हूँ। शादी के बाद टेंशन मत ले रे। कहीं जाना मत।
मैं आता हूँ जल्दी। ठीक है हाँ, चलो बैठ जाते हैं। कितने बार स्माइल करना है। हाँ। क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? परेशान लग रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है माँ। बताना क्या हुआ। अरे कुछ नहीं माँ, तुम जाके मेहमानों से मिलो, जाओ। ठीक है बेटा। आराम से खाइए। ए ऑगस्टिन, अरे तुम कब आए? कैसे हो तुम? हाँ बढ़िया, एकदम सही समय पे आओ। चलो बैठ जाओ, बैठो जी। बाकी सब ठीक चल रहा है ना? हे बिरयानी लाओ। और बताओ कैसा चल रहा है? ए अबे यार तू कब आया? बस अभी आया यार। और आते ही खाना खाने बैठ गया। वो तो तू भी इसके साथ बैठ जाना। भाई जी भी बहुत काम बाकी है। अरे क्या काम बाकी है? कुछ बात करनी है। अरे आना यार। क्या चल रही है? क्या है इसमें? दुबई की दवाई है, ठंड में अच्छी होती है। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मैं उस ग्रुप का एडमिन भी हूँ। तू एडमिन है? कहाँ गए ये लोग? अंकल रमेश और ऑगस्टिन को कहीं देखा? वो दोनों उस तरफ गए। थैंक यू अंकल। वो सब छोड़, उसकी फैमिली को कुछ पता है क्या? नहीं, मैंने उससे ये बोला कि इतनी बड़ी बात नहीं है, देखते। और वैसे उस दिन मैंने उसे कार के अंदर बिठाया और एडवोकेट से मिलने के लिए चला गया था। फिर जानता है उसने क्या कहा? क्या बोला उसने? अगर बंदा पकड़ा जाता है तो 2 साल की कैद हो सकती है और 2,00,000 रुपए जुर्माना भी। क्या मतलब है तेरा? उससे इस बारे में मत पूछना कुछ। मैं तो सुनकर ही डर गया था। ए, ये तो एंथनी है। ए, एंथनी, भाई इसे क्या हुआ? अरे यार एंथनी, एंथनी उठ, देख क्या हो गया इसे। ए एंथनी उठ ना, क्या हुआ एंथनी? इसको उठाकर अस्पताल ले चलते हैं, चल। डॉक्टर 200/120। ओ बीपी थोड़ा ज्यादा है। सर आपको सिर दर्द हो रहा है? इन्हें एडमिट करना होगा, कुछ देर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, कल डिस्चार्ज कर देंगे। डॉक्टर पर कल इसकी शादी है। ओ इसीलिए टेंशन में दिख रहे हो। मैं एक इंजेक्शन लिख देता हूँ जिससे इन्हें अच्छी नींद आ जाएगी और कल तक ठीक हो जाएंगे। चिंता मत करना, थोड़ा आराम कर लेना, ठीक है? टेक केयर। अरे जिया जी का फोन है यार। उठाना फिर। हेलो। हाँ बोलिए भाई जी। अरे रमेश तुम लोग हो कहाँ? हम लोग वो मसाज पार्लर में आए। वो चिल्ला क्यों रहा है? अरे वो पहली बार इसकी नाक पे मसाज हो रहा है इसलिए चिल्ला रहा है, आप टेंशन मत लीजिए। नाक का मसाज? वैसे भी उसकी नाक बहुत बड़ी है। हाँ कुछ ज्यादा ही बड़ी है। ठीक है जल्दी खत्म करके आ जाओ, शादी के लिए देर मत करना, बहुत सारी तैयारी कर। ठीक है भाई जी मैं रखता हूँ अभी। ओ, 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 अरे यार ये सब कुछ मुझसे नहीं हो पाएगा। हम सब सच बता के ये शादी रोक सकते हैं क्या? ए तू तो अपना मुंह बंद ही रख। हाँ बड़ा यार शादी रोकने वाला। अरे सोच लड़की पे इसका क्या असर होगा, तू जानता है ना उसका बाप कितना खतरनाक है। ए अगर शादी के बाद अरेस्ट हो जाऊं तो उस पर असर तो होगा ही ना, इससे अच्छा है कि अभी सच बोल के शादी रोक देते हैं। अरे छोड़ना ये सब, कुछ गड़बड़ होगी तो देख लेंगे। अरे ओ महाराज आप प्लीज ज्ञान मत दीजिए, इसने एक सिंपल फोटो ली और उसे पोस्ट कर दी। पूरे 2 दिन हो गए मैं ठीक से सो नहीं पाया, मेरी हालत देख, 4 किलो वजन कम हो गया ऐसा मेरी बीवी बोल रही है। यार लूजिंग वेट इज गुड फॉर हेल्थ। अभी तो बहुत ज्ञान दे रहा है, पोस्ट करते समय तेरा ज्ञान कहां गया था? देख कैसे आराम से सो रही है। आओ। नमस्ते मैडम। नमस्ते। सॉरी एजिलान मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आई, दरअसल सिचुएशन ही वैसी थी। मुझे थोड़ी छानबीन कर लेनी चाहिए थी। टाइम हो चुका है, तुम जाकर लाइब्रेरी खोल दो। शुक्रिया मैडम। यू वेलकम।
जरा ये देखो तो, तुमने देखा कल्याणी को शादी में? मेरी स्कूल फ्रेंड है, देखो कैसे खा रही है। पूरा प्लेट भरा हुआ है। मैं ये स्कूल ग्रुप में पोस्ट कर रही हूँ, सब मजाक उड़ाएंगे देखना। ए, ये तुम सबको क्यों भेज रही हो? उसको ये सब देखकर बुरा नहीं लगेगा क्या? और भी ज्यादा बुरा तब लगेगा जब उसको पता चलेगा कि ये तुमने भेजा है। तुम सही कह रहे हो, मैं डिलीट कर देती हूँ। मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। ये एंथनी का घर है? हाँ हाँ सर। क्या वो घर पर है? हाँ वो अंदर ही है। आप R6 पुलिस स्टेशन से आया हूँ। ओके। एक छोटा सा वेरिफिकेशन करना। ओके सर आइए। हाँ। प्लीज बैठिए। ठीक है, जल्दी बुलाइए। भाई, एक पुलिस वाला आपसे मिलने आया है। हम्म? पुलिस? किस लिए? किसी इंक्वायरी के लिए। आप ही एंथनी है? हाँ सर। यहाँ वेरिफिकेशन के लिए आया हूँ। पासपोर्ट पर आपने अपना सरनेम चेंज किया है? जी हाँ सर। मरियम, ये कौन है? मेरी मम्मी। यहाँ ये। हाँ सर, बोलिए। यहाँ साइन कर दीजिए। यहाँ पर? हाँ। नया पासपोर्ट 7 दिन में मिल जाएगा, आकर कलेक्ट कर लीजिएगा। ओके सर। अच्छा चलता हूँ। हाँ। ओके मैडम। ओके सर। बेटा जल्दी से नहाकर नाश्ता करने आ जा। हाँ। हाँ बोल। सुन, वो बंदा एक स्कूल में काम करता है, उससे बात करके केस विड्रॉ करने के लिए कहेंगे, जल्दी आ जा। हाँ बस अभी आया। एजिलेंट सर, आपने ये देखा क्या? किसी ने आपके फोटो के साथ बैंक डिटेल्स शेयर किए हैं चैरिटी के लिए। ये डिटेल तुमने दी है क्या? इसके बारे में सब पता करो, जल्द से जल्द। उसे बोलना दोबारा ऐसा ना करे। बस यही रुक। नमस्ते। नमस्ते। एजिलन सर से हमें मिलना था। वो अंदर ही तो थे। अच्छा, अभी अभी चले गए हैं। कल आके मिल सकते हैं क्या? इलेक्शन की वजह से कल से स्कूल बंद रहेंगे। उनका एड्रेस मिलेगा? हाँ देता हूँ ना, आप यही रुकिए, मैं आता हूं। अच्छा ये क्या, हमने उसके खिलाफ कंप्लेन की थी ना, तो केस लड़ने के लिए पैसे की तो जरूरत पड़ेगी ना। मुझे किसी के भी पैसे नहीं चाहिए, समझे? नहीं। अरे पर वो तो ये सब अरे मेरी बात तो सुन। इतना करो हमने। चल ठीक है, भूल जाता हूँ। बस हाँ ठीक है, नहीं करूँगा भाई। हाँ
छे। भाई देख वो सामने से आ रहा है, जल्दी से स्कूटी स्टार्ट कर। जल्दी कर, जल्दी कर, चल। अरे हेल्प करने जा रहा हूँ। पहले तूने बहुत गड़बड़ की है, अब चल यहाँ से, चल बैठ। उठिए उठिए, आराम से, आराम से उठ। ठीक तो है ना? जल्दी बैठना, पानी पिला। उस तरफ मत देखना, चल। बुरा लग रहा है उसके लिए। क्या हुआ? हाँ नहीं कुछ नहीं। तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? ए, अरे कुछ भी नहीं, तुम सो जाओ। मुझे दो, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं ठीक है, आप अंदर जाके आराम कीजिए। पिछले दो दिन से बस आराम ही तो कर रही हूँ, बोर हो चुकी हूँ। मैं करती हूँ, तुम हटो। अच्छा ठीक है। तुमसे कुछ पूछूंगी तो बुरा तो नहीं मानोगी ना? पूछिए ना। क्या वो किसी तकलीफ में है क्या? ये तो आप उन्हीं से पूछ सकती है, मुझसे क्यों पूछ रही है? उसको कुछ दिनों से तो वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। भाभी थोड़ी चाय बना दीजिए ना। अभी लाती हूँ। उसे क्यों परेशान कर रही हो, जाके खुद बना लो ना। देखो तो जरा कितनी फिक्र है ना अपनी बीवी की। अब आप मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे हो जब से आपकी बीवी आई है। ए, कुछ भी मत बोला करो, बकवास बंद करो। हा? तो फिर किस बात की परेशानी है तुझे? तू अपनी माँ से कुछ छुपा रहा है? आजकल तो तू घर पर भी नहीं रहता, अगर होता भी है तो किसी से बात भी नहीं करता, हमेशा चुपचाप रहता है। आखिर बात क्या है बेटा? जब भी देखो ये अपने फोन में घुसे रहते हैं, और जब भी कोई फोन आता है चुपके चुपके बात करते रहते हैं। ऐसा क्या है आपके फोन में? हाँ ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कुछ काम है बाहर, मैं जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस केस का असली ताल्लुक है इसकी माँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं माँ को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। बार बार पीछे मुड़ के मत देख। अगर उन्हें पता चल गया ना तो सारा केस यहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है ठीक है। दादा अभी कैसे हैं आप? तू जानता है क्या इनको? अब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ बेटा। अरे सुनो बेटा, वो कप से कप मांग रहे हैं, उनकी जरा मदद करो। अरे वो कप नहीं जो नीचे रखा हुआ है, वो कप। वो कप? हाँ। थोड़ा लेफ्ट कि राइट? भाई लगता है ये पहले ट्रक चलाते थे। अरे वो कुछ कह रहे हैं, देख थोड़ा सा नीचे लेके आना। क्या हुआ? मूत्र विसर्जन। भाई
पुलिस आई है। ठीक है लेटे रहिए। ए, तू क्यों घूम गया? नीचे बैठना चुपचाप। अभी ठीक तो लग रहा है ना? एक्सीडेंट है। ओ, सर, हाँ? जिसने भी इनका फोटो अपलोड किया है ना, मेरे ख्याल से उसी ने एक्सीडेंट करवाया है। तुम कौन हो? मैं सिंगाराम हूँ सर, तांबाराम में डिसेबल्ड वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। लगता है शायद आप मुझे भूल गए, मैं इसके साथ कंप्लेन लिखाने आया था आपके पास। हाँ। ये यूनिफॉर्म पहन के मेरा जॉब करोगे? सर, हाँ? तुम्हारी काली करतूतें पता है मुझे। चलो निकलो, निकलो यहाँ से। ओके सर। अभी तो ठीक है ना आप? ए, सुनना, लगता है इनको पॉटी आई है। जिसने तुम्हें ठोकर मारी थी उसे देखा था क्या? ठीक है, मैंने इंक्वायरी के लिए बोल दिया है, हम जल्दी उसे ढूंढ लेंगे। ठीक है ना? चलता हूँ मैडम, ध्यान रखना। सो इसका स्टेटमेंट ले लो, आप चिंता मत कीजिए। भाई वो लोग चले गए, चल यहां से निकलते हैं। हाँ, चल जल्दी, अब जो करना है करिए। क्या है, कितना सीरियस लग रहे हो? एक भी फोटो में स्माइल नहीं किया तुमने। हंसने के लिए क्या पैसे लगते हैं? एकदम खंभे की तरह खड़े हो, एकदम सीरियस। ये फोटो अच्छी लग रही है, देखो तो। सभी फोटो में एक ही जैसे लग रहे हो, एकदम सीरियस। ये फोटो अच्छी है ना, देखो तो जरा। जेसी, तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो ना। कंपनी से मुझे कॉल आया था, उन्होंने तुरंत ज्वाइन करने के लिए बोला है। तो तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कह दिया आऊंगा। तुम अभी गए तो वापस कब तक लौट कर आओगे? 6 महीने बाद या 1 साल बाद? चुप क्यों बैठे हो, बताओ मुझे, बोलो। एंथनी, तुम्हें पता है ना हमारी शादी को कितने दिन हुए हैं? 8 दिन, 8 दिन हो चुके हैं, फिर भी एक भी दिन मैं चैन से सो नहीं पाई हूँ। रोज मैं दोस्तों से और परिवार वालों से झूठ नहीं बोल सकती कि मैं यहाँ पर खुश हूँ। रोज रोज के झूठ से मैं तंग आ चुकी हूँ। जो भी बातें खुल के बताओ। ऐसे रो मत, जैसे जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, रोना बंद करो पहले। तो फिर तकलीफ क्या है, बताओगे तो ही मैं जान पाऊंगी ना। मुझे फोन दो, तुम्हारा दो मुझे पासवर्ड। मरियम, तुम्हारे नाम का पासवर्ड सेट कर दूं क्या? बात वो नहीं है, तुम बता नहीं रहे हो कि प्रॉब्लम क्या है। बताओ ना। पहले रोना बंद करो, जैसे प्लीज रो मत। उन्होंने कंपनी से मेरे बहुत सारे कलीग्स को निकाल दिया है। शादी से एक दिन पहले मैंने ये न्यूज़ सुनी, मेरा भी वही हाल होगा अगर मैं अभी नहीं गया तो। लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस मेरी जॉब खतरे में नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा कि ये बात माँ को कैसे बताऊंगा। अभी अभी तो उसके चेहरे पर मैं खुशी देख रहा था। अभी जाकर स्पेशल परमिशन निकाल के 2 महीने बाद तुम्हें यहां से ले जाने के लिए वापस आऊंगा ना, प्लीज। रो मत जैसे। जैसे प्लीज रो मत, सिर्फ 2 महीने, मैं वापस आके तुम्हें साथ ले जाऊंगा।
गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. पापा शूज एकदम बढ़िया है. अच्छा हाँ. हाँ. लास्ट संडे की जरा फुटेज लगा ना. हाँ थोड़ा सा ऊपर और ज़ूम करो. यही है ना. बस स्टैंड तक लिफ्ट मिलेगी. हाँ बैठिए ना. हाँ एंथनी, एंथनी, कहिए. एंथनी घर पे है क्या? नहीं वो तो कब के निकल चुके हैं. वैसे कहाँ गया वो? एयरपोर्ट के लिए निकले. और एयरपोर्ट के लिए कब निकला? अभी अभी बस कुछ ही मिनट हुए होंगे. ठीक है मैं चलता हूँ. ठीक है पर आप हैं कौन? मैं उसका दोस्त हूँ, उसे एयरपोर्ट पर ही मिल लूंगा. थैंक्स. हाँ सर वो एयरपोर्ट के लिए निकला है. पहुंचने के बाद कॉल करूंगा. अपना ख्याल रखना माँ. ठीक है तुम भी अपना ख्याल रखना, संभल कर जाना. ठीक है माँ. अपना ध्यान रखना. हेलो चलता हूँ. हाँ ओके भाई चल निकल जाऊँ. अपना ख्याल रखना, माँ का ख्याल रखना. एंथनी अपना पासपोर्ट दिखाओ. हाँ अब क्या हुआ? जरा आइए मेरे साथ. सर क्या हुआ? सर आप यहीं रुके, मैं उसे देख कर आता हूं. आओ तुम यहीं पर रुको, जरूरत होगी तो बुलाएंगे. पर हुआ क्या है सर? मैंने कहा ना रुको वहां पर, तुम आओ. यार सर ये है क्या वो? जी सर. नाम क्या है तेरा? एंथनी सर. पूरा नाम क्या है? एंथनी इरुधयराज. कहाँ जा रहा था? दुबई काम के लिए जा रहा हूँ. छुट्टी पे आया था? हाँ सर. कितने दिन की है? एक महीना सर. तो इतनी जल्दी क्यों जा रहा है? हाँ कुछ पूछ रहे तुमसे, जवाब दो. मैंने गांव में एक कहावत सुनी थी, झूठ साफ कहा जाता है लेकिन सच तोतला के कहते हैं. तू भी सच बता दे. मोबाइल दे मुझे, मोबाइल दे. चेक करो इसे. पासवर्ड क्या है? हे, वो जो आदमी बैठा है ना उसे देखा है कभी पहले? नहीं देखा है क्या? नहीं सर. पक्का नहीं देखा तूने? नहीं सर.
जाओ उन्हें अंदर ले आओ। ठीक है सर। सर ये तो काफी डिसेंट आदमी लगता है, ना कोई मैसेजिंग ऐप है, ना कोई फन बुक है, सोशल मीडिया का कोई भी नाम और निशान नहीं है सर। अरे वाह, अच्छा आदमी लगता है तू। आज की मॉडर्न दुनिया में तू सोशल मीडिया भी यूज नहीं करता और हम तुझ पर विश्वास कर लेंगे। क्या बात है एंथनी? ये तो पता है ना कौन है? मेरी माँ है सर। इन्हें अरेस्ट करने वाला हूँ मैं। ये जो है ना मिस्टर रेजिलान, इन्होंने इसकी फोटो खींच के झूठी बात बता के सोशल मीडिया पे डाल दी इसी जुर्म में। सर आपको गलतफहमी हुई है सर। सिम कार्ड उन्हीं के नाम पे, इसीलिए उन्हें अरेस्ट कर रहा हूँ। तुम जाओ यहाँ से। मैंने फोटो ली थी सर, माँ ने नहीं। मुझे पता है फोटो तूने ली थी, लेकिन सिम तो उनके नाम पे है ना। सॉरी सर, मैंने जानबूझ के नहीं किया था, मुझसे भूल हो गई थी, मुझे पता नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, कसम से मैंने जानबूझ के ये सब नहीं किया था। कोर्ट में सॉरी कहेगा तो तुझे जाने देंगे? बाइक से धक्का देकर मारने की भी कोशिश की तूने? नहीं सर, वो मैं नहीं था। कह रहे मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। सर सॉरी कहने के लिए मैंने पीछा किया था, लेकिन दूसरे बाइक वाले ने इनको गिरा दिया था, फिर मैं मदद करने जाता तब तक भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सच सच बता मुझे, सारे सबूत हैं मेरे पास सीसीटीवी फुटेज के साथ। सर सॉरी कहने के लिए मैंने उनका पीछा किया था, विश्वास कीजिए सर। इतना सब कुछ करने के बाद अभी सॉरी बोल रहा है? सर ये ऐसा लड़का नहीं है सर, इसे छोड़ दीजिए। अभी उसकी शादी होकर सिर्फ 10 दिन हुए हैं और मुझे लगता है वो काम पे जल्दी भाग रहा है इसी बात की चिंता से। सर प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। ओ मैडम अपना सॉरी अपने पास रखिए। सर चाहे तो मुझे अरेस्ट कीजिए सर। सर इसके मासूम चेहरे की तरफ देखिए, इसे अरेस्ट किया तो इसका क्या होगा सर, प्लीज छोड़ दीजिए। अब ये सब बोल के कोई फायदा नहीं है, इसकी एक फोटो की वजह से इस आदमी का कितना नुकसान हुआ है पता है आपको? बेटा अगर मेरे बेटे ने किसी तरह भी तुम्हें नुकसान पहुंचाया होगा तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ तुमसे, उसे माफ कर दो। मैं उसकी माँ हूँ बेटा, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। ये छोटा था तब उसके पिता गुजर गए और तब से मेरा बेटा परिवार का बोझ उठा रहा है। अगर तुम उनसे कुछ कहोगे तो ये साहब मेरे बेटे को छोड़ देंगे। बेटा इन पुलिस वालों को समझाओ ना बेटा, ये एक माँ की बिनती है, कुछ तो कहो ना बेटा, उन्हें कहो कि मेरे बेटे को छोड़ दे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज कुछ तो कहो, छोड़ने के लिए कह दो। मुझे कोई शिकायत नहीं करनी है, इनके बेटे को छोड़ दो प्लीज। इनके खाने पीने की दिक्कत हो जाएगी सर, छोड़ दो। माँ है चोरी बहन है, शादी भी नहीं हुई है, इससे गलती हो गई, इसे माफ कर दो। मुझे कोई केस नहीं करना, कंप्लेंट वापस लेता हूँ, प्लीज छोड़ दीजिए। एक बात सुनो, हम वो नहीं कर सकते जो तुम कह रहे हो, हमारे कुछ प्रोसीजर्स होते हैं और तुम्हारी कंप्लेंट की वजह से मैंने इन्हें अरेस्ट किया है, अगर कुछ कहना है तो कोर्ट में कहना। सर कुछ बोल ना, ये मेरा बेटा के बड़ा हुआ है, एक मिनट पेपर। इसकी माँ ने बताया कि ये बिना बाप के बड़ा हुआ है और मैं जानता हूँ बच्चे का बाप के बिना बड़ा होना कितना बड़ा बोझ होता है। उसने नतीजे के बारे में सोचे बिना वो सब किया था। कानून उसे सजा दे सकता है, लेकिन हम तो इंसान हैं, हम उसे माफ कर सकते हैं। मुझे कुछ नहीं करना। अगर उसके बाद भी आप उसको सजा देना चाहते हैं तो मैं उसको सजा देता हूँ, मेरी माफी ही उसके लिए।
सबसे बड़ी सजा होगी। माफ कर दीजिए। मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेता हूँ। मुझे उसे जाने दीजिए सर। प्लीज छोड़ दीजिए। आने दीजिए। ठीक है, अगर तुम इतनी मिन्नतें कर रहे हो तो मैं इसे जाने देता हूं। थैंक यू। सर, सर, मुझे माफ कर दीजिए। सर, मैंने जानबूझ के नहीं किया था। थैंक्स अ लॉट सर। सॉरी सर, कसम से मैंने जानबूझ के। तुम्हारा लाख लाख शुक्र है खुश रहो। ये लो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। पासपोर्ट अभी भी तुम नहीं जा सकते। हाँ, उसने भले ही तुम्हें माफ कर दिया होगा लेकिन हमारे कुछ प्रोसीजर्स हैं, खास करके मेरे। यहाँ और कितने दिन हो? पक्का एक महीना सर। ठीक है, फिर तुम्हें एक छोटी सी सजा देता हूँ। हाँ? टास्क या प्रायश्चित समझ लो। ओके सर। यहाँ अगले 30 दिनों तक रोज एक पौधा लगाना पड़ेगा। ओके सर। फोटो लेके रोज मेरे मोबाइल पे भेजना, ठीक है? जरूर भेजूंगा सर। मेरी वाइफ भी वही काम करती है। गुड। एनीवेज तुम कोई अच्छा काम करने वाले हो तो खुशी से करो। थैंक यू सो मच सर। अब जा सकते हो। पापा, हम एक सेल्फी लेते हैं ना? हाँ। ओके पापा। Bye.